ऐसे मुझे याद नहीं है तो मुझे आंसर भी नहीं पता। हाँ सारी एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस यूनिट सेम होता है। नहीं डिराइव विराइव कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है तो पता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें बताना पड़ेगा। यस एमजी नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ना ना यूनिट सेम है, यूनिट सेम है, फॉर्मूला सेम नहीं है, बात ही अलग है। जब कोई चीज मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, कोई चीज हाइट पे रिस्पेक्ट लेते हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी। डन ओके, यूनिट सेम है, ओके यूनिट किसी का सेम हो जरूरी नहीं है क्वांटिटी सेम हो। डन सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा क्या, याद रखना एम जी एच हमेशा याद रखना, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। ओके उसका पूछे तो भी ऐसी मेथड से करना है। सो एम वी एम जी और एच, और एम जी एच को तुम्हें लिखना किस में है, डायमेंशन फॉर्मूला मतलब एम एल टी में लिखना है। सो एम एल टी में लिखोगे तो इसका यूनिट तो क्या हो जाएगा, एनर्जी है मतलब जूल हो जाएगा। ओके अब जूल का तुमने डायरेक्टली रट्टा मारा हुआ है, जूल को कैसे याद, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखा है या है कुछ लॉजिक, याद रखा है याद नहीं रखा तो आंसर कैसे ले आए, तो वो हाफ एम वी स्क्वायर से लाए। कौन से फॉर्मूला, एम जी और एच के फॉर्मूला से लाए। अच्छा ओके, लेकिन सपोज मुझे वर्क गिवन हो, वर्क का, तो वर्क के लिए फिर क्या लगाओगे, आएगा तो सेम लेकिन लगाओगे कैसे ऐसे। ओके तो तुम्हारा आंसर सही आया है, क्यों, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर लगाया तो वो सही है क्योंकि वो भी जूल है। ओके एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लगाओगे वो भी जूल में ही आएगा, वर्क का लगाओगे वो भी जूल में आएगा, बात सब जूल में आएगा तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला तो सही हो जाएगा। ओके एफ एस करेक्ट। ओके सो वर्क होगा तो सपोज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का से मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। सो ये याद रखना, मैंने टेंथ में भी बोला था 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है, ये याद रखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ओके ये याद रखना, आगे भी यूजफुल होगा। अच्छा चलो तो तुम एमजीएच से ले आओगे तो भी वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। ओके सो यहाँ से एम का क्या हो जाएगा, m1, जी क्या है, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी। ओके तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर मतलब लेंथ मतलब एक, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम कितना है 2, और h है हाइट में तो वो कितना है 1, एक ही हाइट है, सो कितना हो जाएगा m1 l1 और t-1। सो l1 दूसरी, ओके सो ये t2। देखो मास m1 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर लेंथ सेकेंड का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, और इसका मीटर तो लेंथ 1, डन तो कितना हो गया m1 l2 t-2। This is the dimension formula for gravitational potential energy. So gravitational potential energy के लिए भी यही formula है, kinetic energy लेके लिए भी यही formula है, और से अभी क्या बोला था, work के लिए भी यही formula है। जहां जहां पे तुम्हें जूल दिखाई दे, जहां जहां पे तुम्हें न्यूटन इंटू मीटर दिखाई दे, ओके वहां पे सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए। अंडरस्टूड, ओके चलो सो जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, से फोर्थ, ये तो बहुत ईजी है। फोर्थ, 1 रेडियन, मैट सॉल्व कर, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री, 180 बाय पाई। हाँ कैसे,